आज सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। तो एक बार बोलिए प्रेम से मंगला गौरी माता की जय, शिव जी की जय। हिंदू धर्म में मान्यताओं के अनुसार श्रावण माह में शिव एवं माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। साप्ताहिक दिन सोमवार को शिव की उपासना के रूप में श्रावण के सोमवार व्रत तथा श्रावण के सोमवार के ही तरह मंगलवार को मंगला गौरी व्रत माता पार्वती के गौरी रूप को समर्पित है। मंगला गौरी व्रत मुख्य रूप से विवाहित स्त्रियों और उनमें से भी नवविवाहित स्त्रियों द्वारा सुखी वैवाहिक जीवन के लिए माता गौरी के आशीर्वाद प्राप्त हेतु रखा जाता है। जिन युवतियों और महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन में कमी महसूस होती है अथवा शादी के बाद पति से अलग होने या तलाक हो जाने जैसे अशुभ योग निर्मित हो रहा हो, तो उन महिलाओं के लिए माँ मंगला गौरी व्रत विशेष रूप से फलदायी है। अतः ऐसी महिलाओं को 16 सोमवार के साथ साथ माँ मंगला गौरी व्रत अवश्य रखना चाहिए। श्रावण माह के प्रत्येक मंगलवार को माँ गौरी को समर्पित है यह व्रत मंगला गौरी व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। मंगला गौरी व्रत महिलाओं के बीच उनके पति की लंबी आयु के लिए जाना जाता है। मंगला गौरी पौराणिक व्रत कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफी खूबसूरत थी और उसके पास काफी संपत्ति थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वे दोनों अत्यंत दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले एक युवती से हुई। वह युवती माँ मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने पति पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती है तथा गौरी व्रत का पालन करती है तथा अपने लिए एक लंबी सुखी तथा अस्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती है। जो महिला इस मंगला गौरी व्रत का पालन नहीं कर सकती, उस महिलाओं को श्री मंगला गौरी पूजा को तो कम से कम करना ही चाहिए। इस कथा को सुनने के पश्चात विवाहित महिलाएं अपनी सास एवं ननद को 16 लड्डू देती है। इसके उपरांत वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी ग्रहण करती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दीपक से देवी की आरती करती है। घरों के लिए एवं पूजा में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना अवश्य मांगे। इस व्रत एवं पूजा के अनुष्ठान को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः इस मंगला गौरी व्रत को नियम अनुसार करने से प्रत्येक व्रती के वैवाहिक जीवन में सुखी की बढ़ोतरी होती है तथा पुत्र पुत्र आदि की प्राप्त पुत्र का जीवन भी सुख पूर्वक व्यतीत होता है। ऐसे इस मंगला गौरी व्रत की महिमा वर्णित की जाती है। तो एक बार बोलिए प्रेम से माँ मंगला गौरी माता की जय, भगवती माता की जय। माँ मंगला गौरी माता पार्वती की आरती। तो एक बार बोलिए प्रेम से पार्वती माता की जय, शिव जी की जय, गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, जय पार्वती माता। हरि कुल कटक नाशानी, निज सेवक त्राता, मैया निज सेवक त्राता, जग जननी जगदम्बा, जग जननी जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता, जय पार्वती माता। शिव को वाहन साजे,
कुंडल है सा था, मैया कुंडल है सा था, देव बधू जस गावती, देव बधू जस गावती, नीति करती ता था। जय पार्वती माता, सतयुग रूप शील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता, हे मांचल घर जन्मी, हे मांचल घर जन्मी, सखिया संग राता, जय पार्वती माता। शुंभनि शुंभ बिरादे हे मांचल स्या था, मैया हे मांचल स्या था, सहस्त भुजा तनु धरि के, सहस्त भुजा तनु धरि के, चक्रिलियो हाथा। जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही है जननी, शिव संग रंग लाता, मैया शिव संग रंग राता, नंदी भिंगे बिन लही, नंदी भिंगे बिन लही, सराजग मद माता। जय पार्वती माता, देवन अर्ज करति हम चरण ध्यान लाता, मैया चरण ध्यान लाता, तेरी कृपा हरे तो, तेरी कृपा हरे तो, मन नहीं भर माता, मन नहीं भर माता। जय पार्वती माता, मैया जी की आरती भक्ति भाव से जो नर गाता, मैया भक्ति भाव से जो नर गाता, नित सुखी रह करके, नित सुखी रह करके, सुखी संपत्ति पाता। जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। जय पार्वती माता।